टच वुड, लेकिन बहुत लकी है अपन की ऐसी जगह पे रहते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम वास्को, गुड मॉर्निंग फ्रॉम गोवा, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अ ब्यूटीफुल हाउस टेरेस गार्डन। गार्डन यहाँ पे है, नहीं गार्डन है कैमरा के पीछे। गार्डन में आपको दिखाता हूँ वक्त आने पर, और गार्डन बहुत प्यारा लग रहा है बिकॉज सेटअप अलग है। आप देख सकते हैं कि सेटअप अलग है, और ये सेटअप हम लोगों ने कल ही किया है, तो सेटअप भी आपको देखने मिलेगा। तो व्लॉग में एंड तक बने रहना, क्योंकि व्लॉग पता नहीं क्या होने वाला है, बस जो भी होने वाला है वो। तो यस, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:08, और इतनी सुबह हम व्लॉग क्यों शुरुआत कर रहे हैं, क्यों, वाई? वक्त का मतलब पूरा इस्तेमाल आप कह सकते हो, नहीं पूरा इस्तेमाल नहीं, मतलब हाँ वक्त को क्या कह रहे हैं यार, वक्त का सही उपयोग, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल, मतलब जो भी कह लो कि हाँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चल रहा है रमजान का वक्त, और रमजान में तुम्हारा भाई रहता है रोजे। तो अपन ने थोड़ी देर पहले सहरी की, सहरी के बाद हम आए अपने टेरेस वाले गार्डन पे, और यहाँ पे हम लेटे थे, मतलब थोड़ा आराम कर रहे थे, है ना। इतना इतना प्यारा गार्डन होने के बावजूद अगर आप, है ना, यहाँ पे वक्त नहीं गुजार रहे, तो आप मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है, सॉरी वेस्ट ऑफ व्हाट डू यू से, वेस्ट ऑफ ब्यूटी, वेस्ट ऑफ योर सराउंडिंग। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना गार्डन, कि गार्डन कैसा लग रहा है। मेरे को ना ये बहुत बुरी आदत लग चुकी है स्क्रीन पे देखने की, भाई लेंस पे देख। ओके, यहाँ देखेंगे, यहाँ नहीं। तो यस, मैं आपको दिखाता हूँ कि अपना गार्डन कितना प्यारा लग रहा है। तो यस, आपने देखा अपना प्यारा गार्डन, अपना टेरेस वाला ब्यूटीफुल गार्डन कितना प्यारा लग रहा है, और सामने मेरे सामने है ना सनराइज हो रहा है। भाई साहब क्या प्यारे नज़ारे यार, अपने घर के पास से, मतलब क्या प्यारे नज़ारे हैं। सो ब्लेस्ड, सो लकी दैट अपन यहाँ पे रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सीरियसली बहुत, टच वुड, लेकिन बहुत लकी है अपन की ऐसी जगह पे रहते हैं। थैंक यू सो मच अबू, ऐसी जगह पे घर बनाया आप, बहुत प्यारी जगह है। अगर यार आप में से कोई यहाँ पे विजिट करना चाहता है, तो यस, आफ्टर कोविड, आफ्टर लॉकडाउन विजिट करना मोस्ट वेलकम। आओ मजे करो अपने छत पे, सनराइज देखो, तो दिख पा रहा है, अरे यहाँ पे सनराइज, और यहाँ पे मून अभी भी है, दिस या। तो ऐसा है ना कि कुछ दिन पहले नहीं, लास्ट वीक जब मेरा वीक ऑफ था ट्यूसडे को, तब हमने कुछ एक ब्लॉग शूट किया था मूसा के साथ। मूसा को हम ले गए थे अस्पताल, आई मीन डॉक्टर के पास लेके गए थे। क्यों लेके गए थे, किस लिए लेके गए थे, ये जानना है तो आपको व्लॉग देखना पड़ेगा। तो जाओ वो वाला व्लॉग देखो, उसके बाद यहाँ पे वापस आना, और यस दैट्स इट। लास्ट टाइम हमने वो शूट किया था बट एडिट नहीं कर पाए बिकॉज वक्त नहीं मिला, और अपने पास अभी वक्त ही वक्त है बिकॉज गोवा में चल रहा है लॉकडाउन, और अपन जॉब पर नहीं है, अपन घर पर है पूरा दिन, मतलब हो जाएगा। तो जाओ पहले वो व्लॉग देखो, उसके बाद यहाँ पे वापस आना। आई सी यू बैक इन द सेम व्लॉग, आना वापस जरूर, वो व्लॉग देख के जाना मत, छोटा सा, बस छोटा सा क्लिप होगा, छोटा मतलब छोटा क्लिप नहीं, एक छोटा सा छोटा पार्ट होगा, देख के वापस चल।
ओके तो अभी सीन ऐसा है कि आज है अपना वीक ऑफ, जैसे पिछले हफ्ते था वीक ऑफ उसी दिन अपन व्लॉग शूट कर पाए थे, तो आज भी कुछ ऐसा ही है, आज है अपना वीक ऑफ तो आज भी हम व्लॉग शूट कर रहे हैं, बट एडिट कब होगा कब डालेंगे ये हमें बिल्कुल पता नहीं है। तो फिलहाल सीन ऐसा है कि अपन मूसा को लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास, बिकॉज है ना जब से मूसा को हमने इंजेक्शन दिया था, मैं बताता हूँ कौन सा इंजेक्शन, ये था एक सेकेंड ना, हाँ पढ़ा नहीं जा रहा, एक रेबीज का इंजेक्शन था और एक फेलाइन कुछ तो था, आई विल शो यू, वेट वेट मैं दिखा रहा हूँ, ये कुछ इंजेक्शन था मूसा का, जब ये इंजेक्शन हमने उसको दिया था उसके बाद से उसको हेयरफॉल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब घर में हर जगह पे उसके बाल कुछ ज़्यादा है, मतलब बाल तो वैसे भी पहले रहते थे लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही है, और उसके बॉडी से भी बाल थोड़े बहुत कम हो रहे हैं, इसीलिए उसको डॉक्टर के पास ले जाना हम इम्पोर्टेंट समझ रहे थे, इसलिए उसको लेके जा रहे हैं। और आज अपने साथ है सिमरन, और आपने देखा कितना डरती है एक बिल्ले से, मतलब एक बिल्ले के बच्चे से। सिमरन तेरा पसीना निकले एक बिल्ले को पकड़ने, खींच ना उसको सिमरन, अरे काटता नहीं हो, खींच उसके पकड़ के, मेरा बच्चा? हाँ खींच उसको ऐसा पकड़, डाल उसको बास्केट में डाल, उसको हेयरफॉल बहुत हो रहे, पूरे कार में हेयर पड़ते उसके, बंद कर। अपना मूसा बिल्कुल हार्मफुल नहीं यार, एंटी हार्मफुल है अपना मूसा, काटता नहीं है कभी किसी को, काटा था मालूम एक बिल्ली, हाँ एक बिल्ली काटी थी ना, सब एक जैसे नहीं होते है ना। मूसा मूसा तो अभी क्या करते हैं, अभी सीधा अपन चलते हैं डॉक्टर के पास, वहाँ पे अगर शूट करना अलाउड हो तो करेंगे शूट, लेट्स सी व्हाट डॉक्टर सेज, इफ़ नॉट देन डायरेक्टली डॉक्टर के पास से आने के बाद फिर मूसा के लिए कुछ खिलौने की शॉपिंग करते हैं और देखते हैं व्हाट एल्स वी हैव टू डू इन दिस व्लॉग। तो व्लॉग में एंड तक बने रहना, बहुत अगर कुछ ना हो भी ना तो एंटरटेनमेंट हम लोग ढूंढ के आपको देंगे, बराबर के नहीं सिमरन? Till then keep loving, keep sharing. अरे वो लास्ट में बोल रहे हैं, और आपने जो एक मेडिसिन लिया था वो बाहर नहीं ले गए थे, ओके तो अभी सीन ऐसा है कि अपन डॉक्टर के पास लेके गए थे उसको, डॉक्टर ने उसको दिया एक इंजेक्शन, और आपने देखा अपना एक्सप्रेशन जब मूसा को लग रहा था इंजेक्शन, मूसा से ज्यादा अपन डर रहे थे, और मूसा ने मतलब म्याऊं तक नहीं किया, और उसको कुछ मेडिसिन दिए हैं डॉक्टर ने, दिस इज फॉर डी वॉर्मिंग, या ये डी वॉर्म वाला है, और ये उसके हेयरफॉल के लिए, दिस इज सम 3 ml पर डे, तो ये कुछ उसके मेडिसिन्स है, और मूसा इज नाउ बिग स्कैड, मूसा इज प्लेइंग विथ मोहन, टू छोटा पैकेट प्लेइंग टुगेदर, मूसा ही इज एंजॉइंग हिज कंपनी। तो अभी क्या करते हैं, अभी अपन चलते हैं घर घर या फिर चलते हैं अपने स्टोर में एसएस मोबाइल, लेट्स सी क्या करना होता है ब्लॉग में आगे, जो भी होगा वो आपको। ओके तो अभी वक्त हो रहा है 5:39, तो नाउ इट्स टाइम फॉर इफ्तार, अभी और आई गेस या और 6:30 6 1 1/2 hour 1 1/2 1 1/2 hour 6:30
हाँ अराउंड हाफ आवर में इफ्तार होगी, तो यस इफ्तार के लिए अपने को कट करना है कि फ्रूट। मूसा मूसा इज नाउ फिट एंड फाइन, आपने देखा मूसा को लग चुका था एक इंजेक्शन। मूसा 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 इज नॉट टोटली फाइन और ही इज ए मूसा 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 ओके तो नाउ ही इज टोटली फाइन। यार कितना मस्ती कर रहा है, देखो इसको देखो मूसा का। मूसा मूसा ओके तो आज इफ्तार में है टोमेटो अनियन कैप्सिकम और कोरिएंडर। क्या बन रहा है? इतने मजेदार बोला ना। क्या बन रहा है इफ्तार में? पाव भाजी। वाव 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 इफ्तार में बन रही है पाव भाजी। इधर ये क्या है? अरे हट रहे। ओके मजे दिख रहा है अशो हट ना। अरे वो हट रहे। जैसे कि आप देख सकते हो पाव भाजी के साथ साथ तीन लींबू के पिंच भी गिर चुके हैं, चौथा भी गिर चुका है। हटना दिखाती हूं। पाव भाजी का मसाला रेडी है और भाजी यहाँ पे है, पोटैटो मैश यहाँ पे है और यहाँ पे बन रहा है लींबू शरबत। लींबू शरबत में सब्जी के भी डालते हैं? हाँ, ये सोलापुर स्टाइल है। पाव भाजी मैं बना खत्म। दिस इज माय व्हाट वी से टच शे जैसे चेरी ऑन केक वैसे कोथमीर ऑन व्हाट वी से भाजी। अब भाजी इज ऑलमोस्ट रेडी। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। यहाँ पे पाव भाजी बनी नहीं और पाव भाजी का स्मेल आया नहीं, अपने घर में भुक्कड़ हाजिर है। सिमरन पाव भाजी का स्मेल आया ना तेरे को? सच्ची? हाँ हाँ मुंह गए को छुपा रही। पाव भाजी का स्मेल आया ना तेरे को? सच्ची? हाँ ओके तो इफ्तार इज डन और पेट पूजा भी हो गई है अपने, मतलब पाव भाजी यम्मी एकदम एक नंबर। तो यस ऑल डन। आयत हाय बोल। हाय हाय तो एवरीथिंग इज डन। तो व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं वरना व्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा और रात भी हो चुकी है, तो पता है रात को अपन ज्यादा व्लॉग करते नहीं है। आज पहली बार आई गेस, मतलब बहुत दिनों के बाद इतनी रात को हम व्लॉग कर रहे हैं, मतलब खत्म कर रहे हैं। कोई नहीं तो व्लॉग को हम यही एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ सीज़न नेक्स्ट। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। लव यू। यू आर सुपर हीरो।